आप मुकेश अंबानी के घर में पैदा नहीं लिए हो, तो आप ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको फिजिक्स नहीं आती है, इनको केमिस्ट्री नहीं आती है, मैथ्स भी नहीं आती है, लेकिन आप देख रहे हो। हमारे YouTube चैनल पर एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है और आप किसे एजुकेटेड कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एजुकेशन क्या होता है। जैसे हमारे समाज में एक अवधारणाएँ चली आ रही है कि जिस बच्चे के पास ज़्यादा डिग्रियाँ हैं, जिसका क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, जैसे जो MSc कर लिया हो, BSc कर लिया हो या फिर PhD कर लिया हो, उसे हम एजुकेटेड मान लेते हैं। क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री को इकट्ठे करना है या फिर सिर्फ परसेंटेज लाना है? तो यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि एजुकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। बच्चों एजुकेशन का मतलब होता है सीखना। जो भी लोग अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हर दिन कोई क्रिएटिविटी को कर रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, कुछ बदलाव ला रहे हैं, तो आप कहेंगे कि वो बंदा एजुकेटेड है। जैसे मान लीजिए अगर बात करें हम लोग स्पोर्ट्स में विराट कोहली का, तो विराट कोहली के पास क्या है, वो जब क्रिकेट खेलते हैं तो उनके पास बहुत अच्छी टेक्निक है और अच्छे अच्छे टेक्निक को सीखते हैं और उस टेक्निक से दुनिया उनको जानती है। तो आप विराट कोहली को भी क्या कहोगे, एजुकेटेड कहोगे। तो एजुकेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को लगातार सीखते रहने की प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप होना। अगर आप इसको लगातार सीख रहे हो तो आप भी एजुकेटेड हो। अब आप जानेंगे कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, एजुकेशन का होना ज़रूरी है। क्यों एजुकेशन का होना ज़रूरी है? क्योंकि आप किसी भी चीज़ में अच्छाई या बुराई का आकलन तभी कर पाओगे जब आप सही मायने में आप कोई चीज़ को सीख रहे हो। अगर मान लो कोई आप बिजनेस ही करते हो, तो बिजनेस भी करोगे तो उसके तौर तरीके, उसके टेक्निक को सीखना होगा, क्योंकि उसके तौर तरीकों को सीखे बिना आप बिजनेस को भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो एक IQ लेवल होता है, जो आपके सोचने की क्षमता होती है, वो सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी आपको क्या करना होगा, एक एजुकेशन प्राप्त करना होगा। तो एजुकेशन का मतलब होता है हम जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में हर चीज़ को सीखें और उसको यूटिलाइज करें। जैसे मान लो कि एक बच्चे को बता दिया जाए क्लास 9th में कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि दो मास ऑब्जेक्ट को जब रखा जाएगा सम डिस्टेंस पे, तो वो दोनों एक दूसरे के टुवार्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। अब वो बच्चा वहाँ पे पढ़ा, उसके थ्योरी को याद कर लिया और उस थ्योरी को फिर से भूल गया। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो कहीं पे खड़ा था और वहाँ पे देखा कि सर ने एक पेन को ड्रॉप किया और वो पेन क्या हुआ, नीचे ही गिरा। तो वो बच्चा अपने टीचर से क्वेश्चन करता है कि सर ये पेन हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? तो सर ने बताया कि बाबू ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब जहाँ पर भी वो इस तरह का इवेंट होता हुआ देख रहा है, तो वो बच्चा समझ जा रहा है, उसको लिंक कर पा रहा है कि सर ने बताया था ये किसके वजह से हो रहा है, ये ग्रेविटेशन के लॉ के वजह से हो रहा है। तो आप किसे कहोगे कि एजुकेटेड है? वो बच्चा क्लास 3 में है, भले उसकी डिग्रियाँ, उसके क्वालिफिकेशन वो 9th वाले बच्चे से कम है, लेकिन आप वो क्लास 3 वाले बच्चे को ही एजुकेटेड कहोगे, क्योंकि वो उस बात को सीखना चाहा, उसको अपने लाइफ से कनेक्ट करना चाहा। फिर अब देखो एजुकेशन का मतलब क्या होता है। एजुकेशन हमेशा आपके किरदार में झलकना चाहिए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ लिए बहुत ज़्यादा और लोगों को दिखा रहे हो कि भाई हम तो एजुकेटेड हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे 3 इमेज को लिया गया है, जिसमें आप साफ साफ देख रहे होगे कि यहाँ पे बहुत एकदम क्राउड है, पूरा ट्रैफिक है, और यहाँ पर देख रहे हो कि ये ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर लोग समझदार होते तो वो एक कोई ऑर्डर को फॉलो करते और उस ऑर्डर को फॉलो करते तो इस तरह का जो भीड़ आपको दिखाई दे रहा है, क्राउड दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पे आप इंसान को देख रहे हो। यहाँ पे जो सेकेंड इमेज दिखाया गया है उसमें यहाँ पर बहुत सारे एंड्स हैं जो जा रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए ये सब एक स्ट्रेट लाइन पर, यहाँ पर जितने भी एंड्स हैं ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको फिजिक्स नहीं आती है, इनको केमिस्ट्री नहीं आती है, मैथ्स भी नहीं आती है, लेकिन आप देख रहे हो ये सारे एंड्स एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में सभी एक के बाद एक चले जा रहे हैं। ये भी ओवरटेक कर सकते थे, ये इससे आगे निकल सकता था, लेकिन नहीं, ये जान रहा है कि अगर हम लोग खुद में ही ओवरटेक करने लगेंगे एक दूसरे को तो कभी भी हम लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए आगे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दो इमेज को लिया गया है, एक यहाँ पे हमारे ह्यूमंस हैं और यहाँ पर देखिए ये एनिमल्स हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है, तो भीड़ का वजह क्या है,
कि आप एक ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रहे हो, आप सीधा सबसे आगे निकलना चाह रहे हो, आप खुद में ही उलझ रहे हो और आप चाह रहे हो कि हम सबसे आगे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं, जिसके वजह से सब क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्या रोक लिए हैं रास्ते पे और कोई भी एक दूसरे से आगे नहीं जा पा रहे हैं, और जिसका कारण है कि यहाँ पर भी आपको क्राउड देखने को मिल रहा होगा। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये सारे एनिमल्स हैं, ये सब भी अपने अपनी डेस्टिनेशन तक जा सकते थे, बहुत तेज़ी से भाग सकते थे, लेकिन ये सब क्या है, एक ऑर्डर बना करके चल रहे हैं, ये ऑर्डर बना करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब हुआ कि एजुकेशन का मतलब होता है जो भी चीज़ है जहाँ पर भी है वहाँ पे आपका डिसिप्लिन दिखाई देना, आप क्लास में हो तो आपके टीचर क्या कह रहे हैं उसको सुनना, उसको समझना। और एजुकेशन हम लोग को एक मतलब जीने का जो जरिया होता है उस जरिया को देता है, और जिस समाज से खास करके हम लोग आते हैं, आप लोग आते हैं, वहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक ही जरिया है, वो एजुकेशन से होकर के ही जाता है। आप अचानक से बहुत बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर सकते हो, आप मुकेश अंबानी के घर में पैदा नहीं लिए हो, तो आपको एजुकेशन से होकर के गुजरना होगा, जो बेसिक जीने का तरीका होता है उसको सीखना होगा, और एजुकेशन के दम पे आप अपने समाज में बदलाव ला सकते हो और अपने समाज को बदल सकते हो, कुछ लोगों को अपने जैसे बना सकते हो। तो एजुकेशन का मतलब आई होप कि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो जो भी लोग सीख रहा है वो सारे लोग एजुकेटेड हैं। थैंक यू।